24 घंटा लाइव हमेशा से ही तत्पर रहा है अपने क्षेत्र के दर्शकों के लिए कुछ नया करने की। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम आ रहे हैं लेकर आपके बीच बिहार एक्सप्रेस। बिहार एक्सप्रेस के प्रायोजक है केसरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हर प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक व घरेलू वस्तुओं का विशाल भंडार है केसरी इलेक्ट्रॉनिक्स, घोषपाड़ा रोड, गौरीपुर, नेहट्टी। घोषपाड़ा रोड ऊपर अवस्थित केसरी लाइट हाउसे आपनी एकदम सुलभ मूल्य पे जाबेन समस्त रकम ब्रांडेड मोबाइल फोन और एक्सेसरीज। तो आइए देखते हैं आज के लिए क्या विशेष लेकर आया है आज का बिहार एक्सप्रेस। आईएसबीटी नहीं जाना चाहते बस चालक। आईएसबीटी को लेकर डीएम के कड़े आदेश के बाद भी वाहन चालक नहीं जाना चाह रहे हैं। ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। 6 वाहनों को पकड़ा गया जो आदेश को ठेंगा दिखा रहे थे। वाहन स्वामियों से 21,500 रूपए जुर्माना वसूला गया है। हालांकि 412 बसों का परिचालन हुआ है जिसमें 213 बसें टर्मिनल में आई और 175 बसें अपने गंतव्य के लिए गई। इसके साथ ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 11 बसें आई तथा 13 बसें अपने गंतव्य के लिए गई। बिहार में झमाझम होंगी बारिश, अलर्ट जारी। चंपारण, सारण और पूर्णिया समेत 13 जिलों में 60 मिलीमीटर तक तथा मगध क्षेत्र के 5 जिलों में 35 मिलीमीटर तक की बारिश का अनुमान। बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, जमुई, उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य के 13 जिलों में 35 से 60 मिलीमीटर बारिश का अलर्ट है। पटना, गया, वैशाली, नालंदा और नवादा में 17 से 35 मिलीमीटर बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। पटना में छापेमारी की तैयारी। जांच के दौरान यूपी पुलिस को 1,000 से अधिक किट पटना में बेचने का सबूत मिला है। पटना के पटेल नगर में 1,000 किट पार्सल से भेजे गए थे और हरिओम सिंह नाम के व्यक्ति ने इसके बदले आरोपियों को पैसा ट्रांसफर किया था। पुलिस अब हरिओम सिंह के सहारे उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेगी जिन्होंने यूपी से सरकारी एंटीजन चोरी कर उनसे बिहार में कोरोना की जाँच की है। बिहार पुलिस दारोगा भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा परिचारी एवं सहायक अधीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। इस रिजल्ट के माध्यम से दारोगा के 2,062, सार्जेंट के 215 तथा सहायक अधीक्षक के 125 पदों के लिए चयन किया गया है। इन पदों रिक्तियों का प्रकाशन साल 2019 में हुआ था। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने यह रिजल्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया। नवादा में बड़ी घटना, ठेस लगते ही पुल से नीचे गिरा बालक, छूट गया माँ का हाथ, फिर ये तो होना ही था। नवादा नगर से गुजर रही खूरी नदी में गुरुवार को एक बालक डूब गया। उसकी उम्र करीब 10 वर्ष है। वह जहानाबाद जिले के बेलदरियाचक गांव निवासी संजीत कुमार का पुत्र बताया गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से बालक की नदी में खोजने का प्रयास जारी है। हालांकि अब तक बरामद नहीं हो सका है। बताया जाता है कि बालक अपनी मां पूजा कुमारी के साथ नवादा नगर थाना क्षेत्र के सिउचर बीघा गांव में फूफा के घर जा रहा था, मगर बीघा से बुधौल के रास्ते खूरी नदी पुल पर ठेस लगने से बालक नदी में जा गिरा। नदी में पानी के तेज बहाव के कारण बालक बह गया। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में एम्बुलेंस का हाल देखिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में मरीजों के साथ साथ एम्बुलेंस सेवा भी बीमार हो गई है। सिवान सदर अस्पताल में मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले एम्बुलेंस अपनी बदहाली पर रो रहे हैं। पिछले 2 महीने से टूटे चेचिस के सारे मरीजों को ढोया जा रहा है। एम्बुलेंस के गेट को रस्सी से बांधा जा रहा है तो वही सायरन लाइट, एसी भी खराब है। यह वही अस्पताल है जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को जमकर मंगल पांडे को खड़ी खोटी सुनाई थी। इधर इस संबंध में सिविल सर्जन जानकारी नहीं होने की दलील देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर का कहना है कि इस बात की शिकायत उन्होंने कई बार एसीओ से की है लेकिन वह सुनते नहीं हैं। इसलिए अस्पताल प्रबंधन को कोई लिखित जानकारी नहीं मिल पाई है। নৈহাটির গৌরীপুর চৌমাথা আলোকিত করছে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সম্ভারের সেরা প্রতিষ্ঠান কেশরী লাইট হাউস। ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত কেশরী লাইট হাউসে আপনি একদম সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন সমস্ত রকম ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও অ্যাক্সেসরিজ, হোম এবং কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস যেমন ইলেকট্রনিক রাইস কুকার, জগ, আয়রন, ওয়াটার পিউরিফাই, জুসার, মিক্সার, গ্যাস ওভেন, চিমনি, বিভিন্ন কোম্পানির এলইডি টিভি, এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিনের সেরা সম্ভার এক ছাদের নিচে। এখানে কেনাকাটা করলে থাকছে অরিজিনাল প্রোডাক্টের গ্যারান্টি, উচিত মূল্য, ডিসকাউন্ট ও অফার, সমস্ত রকম কিস্তির সুবিধে, সর্বোপরি শোরুমে এবং বাড়িতেও গিয়ে সার্ভিসিং এর সুবিধে। তাই আজ আমরা চলে এসেছি নৈহাটির গৌরীপুর চৌমাথাতে ঘোষপাড়া রোডের উপর অবস্থিত কেশরী লাইট হাউসে।